तो आज छुट्टी वाला दिन वैसे रेस्ट नहीं मिला और ऊपर से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के 7 बज गए हैं। अकॉर्डिंग टू वीकेंड रूल थर्सडे को वैसे तो मेरी छुट्टी होती है, लेकिन कंपनी में थोड़ा ज्यादा काम है तो आज मेरे को कंपनी में जाना है। और इस हफ्ते मेरे को लग रहा है काम कुछ ज्यादा ही होने वाले हैं। एक तो मेरे को वीकेंड का ऑफ नहीं मिलेगा और ऊपर से मेरे को रूम भी शिफ्ट करना है, तो थोड़ा सा बर्डन बढ़ेगा काम का। और अभी एक्सरसाइज का सारा रूटीन डिस्टर्ब हो रखा है, उसको अभी पोस्टपोन कर रखा है। थोड़ा सा चीज़ें मैनेज हो जाएंगी फिर उसको कंटिन्यू करूँगा। बीच में कभी टाइम मिला तो एक आध दिन कर लूँगा। मेरा अब तक का फर्स्ट थर्सडे वर्किंग डे होगा, नहीं तो थर्सडे को आज तक मैं कंपनी में नहीं गया था। और जैसा कि मैं कल बता रहा था कि ट्विटर पे डेली कोई ना कोई हैशटैग गुरु जी का ट्रेंडिंग पे रहता है। ट्रेंडिंग पे नहीं तो एटलीस्ट भगत ट्वीट करते रहते हैं, जैसे कि हर डे होता है ना वीक का, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उस डे के हिसाब से हैशटैग चलते हैं। जैसे कि आज थर्सडे है तो आज ट्विटर पे हैशटैग है गुड मॉर्निंग थर्सडे, थर्सडे फीलिंग्स, थर्सडे मोटिवेशन, इस टाइप के हैशटैग्स पे अभी ट्वीट्स किए जा रहे हैं। अभी डिजाइनिंग डिपार्टमेंट का मैं गेट खोलाया था और अभी मैस में आके थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। और आज पूरी कंपनी में सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और कोई भी नहीं है। जो मेन ऑफिस है कंपनी का वो भी मेरे आने के बाद ही खुला है। 20 मिनट बाद मेरे सर भी आ जाएंगे। आज सारा दिन वर्किंग डे नहीं है, जब भी काम खत्म हो जाए हम जा सकते हैं, लेकिन वो काउंट होगा हमारा पूरे दिन में ही। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई नीचे ऑफिस में, तो अभी मैं यहाँ पे स्विच देखने आया हूँ एसी का। ऊपर है स्विच लेकिन स्विच तो ऑन है, नीचे सिस्टम पे काम ही नहीं हो रहा था, इतनी गर्मी हो गई है। ड्राइंग्स तो सारी कंप्लीट हो गई हैं, कल मॉर्निंग में आते ही उनके प्रिंटआउट्स निकालने हैं और फिर फाइल्स आगे भेजनी है मेरे को, बस इतना सा काम है। मैंने कहीं पे इंग्लिश में पढ़ा था, व्हेनेवर आई हैप्पी देन समथिंग हैपेंस। मेरे को इतनी खुशी हो रही थी ना कि मैं आज अपना 100वां व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, और आज मैंने 2 व्लॉग अपलोड किए हैं। चीज़ें टाइम से चल रही थी, 7 बजे व्लॉग एडिट हो गया था, लेकिन आज अपलोडिंग स्पीड ना रूम में, ना रूम के बाहर, ना छत पे थोड़ी सी बेटर आ रही थी। नीचे आ जाऊँ तो पूरा 10 घंटे दिखा रहा था अपलोडिंग टाइम, ऊपर 1.5 घंटा लगा अपलोड होने में। तो आज छुट्टी वाला दिन वैसे रेस्ट नहीं मिला और ऊपर से ये थकान और होगी, सारी खुशी में पानी फिर गया। अभी भूख लग रही है बहुत ज़ोर से, मैस में खाना खाने जा रहा हूँ। और रूम के भी बहुत सारे काम थे आज, कपड़े धोने थे, वो भी रहते हैं, सफाई भी रहती है, तो आगे देखूँगा कितना मन करता है काम करने का। तो फिलहाल अभी मैस में जाता हूँ खाना खाने। आज मेरे को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की भूख लगी हुई है और पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आज मैस में तीखा खाना मिलेगा, तो अभी जाके देखते हैं कैसा मिलेगा खाना। मैं खाना बाद में खाऊँगा, पहले स्कूबी मिस के आई हुई हैं, इनको बिस्किट खिला देता हूँ। तो आज सबर का फल मीठा मिला, मतलब मैच में बहुत अच्छा खाना मिला, तीखा नहीं था बिल्कुल भी। मैच पे खाना खाते ही मैं सीधा ही दूसरी गलियों से मार्केट में जा रहा हूँ, थोड़ा सा सामान लेके फिर रूम पे जाऊँगा। जो काम मेरे को खाना खाने से पहले करने थे वो काम अब करूँगा। खाना खाने से पहले तो सारा टाइम छत पे ही लग गया घूमने में, अभी 9:30 हो गए हैं, 1 घंटे में सारे काम कर दूंगा। करते हो रहे करते हो की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, जो सदग्रंथों में जो वे ऑफ वर्शिप लिखी है वही फाइनल है, नथिंग एल्स। तो अभी 11 बज गए हैं, मैंने रूम की थोड़ी बहुत सफाई कर दी और सबसे जरूरी था कपड़े धोने, वो कपड़े भी सारे धो दिए हैं, सारे रुमाल जुराब मास्क सारे खराब हो रखे थे वो धो दिए हैं, तो शायद नेक्स्ट वीक तक अब जरूरत नहीं पड़ेगी कपड़े धोने की। छुट्टी वाले दिन भी बिना छुट्टी लिए छुट्टी वाले सारे काम कर दिए। तो फिलहाल आज के व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।